वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज जा रहा हूँ मैं शंघाई, और अभी फ़िलहाल शंघाई जा रहा हूँ, और इसके बाद मैं कल सुबह वहाँ से शंघाई से हंगझो निकलूँगा जो कि तकरीबन 7 बजे, क्योंकि जो मेरा मेन काम है हंगझो में। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल शाम की 7 बज गई, अभी जाऊँगा मैं ट्रेन स्टेशन। आज जो स्टे होगा मेरा शंघाई में होगा, और वहाँ से कल सुबह निकलूँगा शंघाई से। तो दोस्तों बने रहे ब्लॉग के साथ, क्योंकि आपको मैं पूरा हंगझो दिखाऊँगा। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल रूम पे हूँ, और जस्ट अभी बैग रेडी किया है, और मैंने अपना पासपोर्ट वगैरह ले लिया है, और इसके बाद निकलता हूँ मैं शंघाई ट्रेन स्टेशन। और ट्रेन स्टेशन से मैंने ट्रेन बुक कर दी है ऑनलाइन, और उसके बाद ट्रेन पकड़ूंगा जो कि तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है बुलेट ट्रेन से। तो गाइस अंधेरा पड़ चुका है, और तकरीबन 7:30 हो रही है, और मुझे 15 से 20 मिनट्स लगेगा रेलवे स्टेशन में। अपनी बाइक लेके जा रहा हूँ, और आज रात को बाइक वहीं पे छोड़ूंगा, और कल सुबह जब संघाई से आऊँगा निकलूँगा, तो वापस 7 टाइम रेलवे स्टेशन से बाइक ही उठाऊँगा। टैक्सी करने की जरूरत नहीं है, अभी टैक्सी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ट्रेन स्टेशन में पार्किंग बनी रहती है, वहाँ पर आप कर सकते हो बाइक वगैरह। वापस आऊँगा तो बाइक कल बाइक ले आऊँगा वापस। गेट खोलना पड़ेगा बाद तो गाइज मैं सूझो रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं, और तकरीबन 7:30 हो गई है, और अभी चेकिंग होगा बैग वगैरह, और उसके बाद निकलेंगे शंघाई। ये सामने रेलवे स्टेशन है। गाइज काफ़ी टाइम लग चुका है, और यहां पर 9:30 तकरीबन हो चुका है, क्योंकि आज काफ़ी भीड़ थी, आज संडे था तो इसलिए काफ़ी भीड़ थी। तो टिकट बड़ी मुश्किल से मिली है, क्योंकि बुलेट ट्रेन की टिकट नहीं मिली, एक नॉर्मल ट्रेन टिकट मिली है, उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो गाइस फाइनली शंघाई पहुंच चुके हैं, और यहां से अब सबवे स्टेशन की तरफ जाना है, और वहां से टोकन लेना पड़ेगा। दोस्तों ये नज़ारा है शंघाई में रेलवे स्टेशन के बाहर, और काफ़ी भीड़ है आज यहाँ पे, पता नहीं किस वजह से है, क्योंकि आज ट्रेन में भी काफ़ी लेट लगी आज। दोस्तों इस मेट्रो स्टेशन का नाम है पिपली स्क्वायर, जो कि शंघाई का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है। इस पर लगभग 30 गेट हैं, तो आप अंदाज़ा ला सकते हो ये कितना बड़ा मेट्रो स्टेशन है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं, और कल सुबह जाना भी है, और मिलते हैं आपको कल सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, और सुबह के बज रही है 6, और मैं निकल रहा हूँ ट्रेन स्टेशन के लिए। ट्रेन मुझे ट्रेन पकड़नी है, और वहाँ से मुझे हंगझो जाना है, और अभी ये शंघाई का सुबह का मौसम है, काफ़ी खाली खाली लग रही है रोड, क्योंकि सुबह का टाइम है, ज़्यादा भीड़ नहीं रहती यहाँ पे सुबह। तो फिलहाल अभी मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ, जहाँ से मेट्रो पकड़ूँगा, उसके बाद रेलवे स्टेशन जाऊँगा, वहाँ से ट्रेन पकड़ के हंगझो।
गाइस मैं हंगजो पहुंच चुका हूं और अभी 8 बज रही है और ये हंगजो का रेलवे स्टेशन है। तो मैं यहाँ से अभी टैक्सी पकड़ूंगा और टैक्सी से तकरीबन आधा घंटा और लगेगा मुझे पहुंचने में जहाँ मुझे पहुंचना है। हंगजो ईस्ट में आ चुका हूँ। इसका नाम है हंगजो ईस्ट और यहाँ से मुझे भी टैक्सी पकड़नी है बाहर से। टैक्सी का एग्जिट ये वाला है और तकरीबन जो मैंने बताया था आपको आधा घंटा और लगेगा इस पर। टाइम काफ़ी है क्योंकि टाइम से आज पहुँचिए था मॉर्निंग में क्योंकि मेरी ट्रेन थी। तो एक स्टोर है कॉफ़ी वगैरह भी लेते हैं। एक कॉफ़ी ली मैंने बोतल वाली कॉफ़ी क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है और थोड़ा गर्मी भी लग रही है इसकी वजह से कोल्ड कॉफ़ी ली है। तो एक वाटर बोतल ली है। चुई का ची पैदा माँ आगे पैदा वा चुई का17 吗？嗯，那走这边。付费成功收款，तो गाइस मैं ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल चुका हूँ अभी और थोड़ा चल के जाना पड़ेगा टैक्सी के लिए, थोड़ा दूर है यहाँ से। और बाहर थोड़ा हल्की गर्मी है क्योंकि आज काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है। फाइनली मैं टैक्सी में आ चुका हूँ और उसके बाद तकरीबन आधा घंटा और लगेगा जहाँ मुझे जाना है और काफ़ी गर्मी आज बाहर और शायद 12-1 बजे मैं फ्री हो जाऊँगा यहाँ से और 12-1 बजे फ्री होकर मैं सूजो निकल जाऊँगा यहाँ से या सूजो निकल जाऊँगा या तो संघाई जाने का प्लान है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पर। 1-2 घंटे की यहाँ पर मीटिंग है आज जो कि मुझे 10 बजे से स्टार्ट है, 12 बजे तक तकरीबन ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद भी फ्री हो जाऊंगा और उसके बाद निकलूंगा मैं वापस। तो गाइस बने रहे ब्लॉग के साथ और अगर दिन में टाइम मिलता है मौसम सही रहता है तो मैं आपको हंगजो का एक व्यू दिखाऊंगा, ड्रोन शॉट दिखाऊंगा अगर टाइम मिलता है इसके बीच में तो।
देख सकते हो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आगे, और ट्रैफिक पूरी रोड पे आज ट्रैफिक है क्योंकि मंडे आज, और ये टाइम होता है जॉब जाने का क्योंकि 8:30 हो चुकी है और तकरीबन सबको इस टाइम पे जॉब जाना होता है, इसलिए काफ़ी ट्रैफिक है, शायद लेट हो जाएगी इस चक्कर में। तो दोस्तों फाइनली मीटिंग ख़त्म हो चुकी है और अभी मैं वापस फिर जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ क्योंकि मुझे निकलना है सूचो, और अभी फ़िलहाल टैक्सी में हूँ और थोड़ी देर बाद रेलवे स्टेशन में होंगे। तो आज काफ़ी भीड़ होगी वहाँ, देखते हैं टिकट मिलती है कि नहीं मिलती है क्योंकि मैंने बुक तो की नहीं है, अभी वहाँ जाके लेना पड़ेगा। गाइस ट्रेन में बहुत टाइम है अभी, तो यहाँ पे चल रही वेटिंग, तकरीबन मुझे 3 घंटे वेट करना पड़ेगा क्योंकि 3:30 हो रही है और 7 बजे की मेरी ट्रेन है, और 7 बजे से तो अभी 3 घंटे बाकी है, 3 घंटे मुझे यहाँ घूमना पड़ेगा। और अभी मैं थोड़ा बाहर आया था घूमने और ड्रोन शॉट लेने की सोच रहा था, तब तक आ गई बारिश, अभी तेज़ बारिश हो गई है स्टार्ट, तो अभी यहाँ पे कोई जगह देखनी पड़ेगी, कोई रेस्टोरेंट वगैरह देखना पड़ेगा या तो कॉफ़ी शॉप देखना पड़ेगा कहीं, या तो बारिश में सब कुछ भीग जाएगा, पासपोर्ट भी है बैग में। तो एक्चुअली जो बारिश हुई है अभी सडनली हुई है, कोई चांस नहीं थे बारिश के, अभी जस्ट धूप लगी थी थोड़ी देर पहले, तो बारिश बंद हो चुकी है और धूप भी लग गई है दोबारा से, और अब निकालेंगे यहाँ से ड्रोन शॉट। गाइस अभी आपने ड्रोन शॉट देखा होगा, काफ़ी खूबसूरत ड्रोन शॉट था यहाँ का, और ये रेलवे स्टेशन के बगल में है, जस्ट रेलवे स्टेशन के 100 मीटर की दूरी पे है देख के। और अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 5:20 और 2 घंटे और बाकी है अभी, और 2 घंटे में ट्रेन का टाइम हो जाएगा और इसके बाद जाएंगे सूजो। गाइस फाइनली ट्रेन स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ और थोड़ी देर बाद यहाँ से ट्रेन निकलेगी और फिर निकलेंगे सूजो फाइनली। तो गाइस फाइनली सूजो पहुँच चुका हूँ और काफ़ी रात हो गई है, तकरीबन 9 बज की है, और अब सूजो पहुंचने के बाद यहाँ से मैं अपनी बाइक उठाऊंगा और फिर निकलूंगा घर, और अभी कल सुबह मॉर्निंग में फिर ड्यूटी जाना है। और गाइस फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलें अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो, ताकि आपको नई नई वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके।